दोस्तों किस्मत तब बदलती है जब बंदा जिद्दी हो। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ, और जितनी बड़ी तकलीफ उतनी बड़ी कामयाबी। दोस्तों कामयाब होने के लिए तो जिद चाहिए, हारने के लिए तो बहाने ही काफी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी नाकामयाबी के लिए अपनी किस्मत को टोकते हैं। मैं इन सब लोगों को बता दूं, किस्मत बदलती है अगर तू जिद्दी है। यूक्रेन के छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक लड़का जो छोटी उम्र में गरीबी के कारण किराने की दुकान में झाड़ू मारता था, अगर वो अपनी किस्मत का रोना लेकर जिंदगी से समझौता कर लेता तो क्या वो कभी व्हाट्सएप का फाउंडर बन सकता था? जैनकॉम ने 18 साल की उम्र में खुद कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखी और फेसबुक से रिजेक्ट हुए इस बंदे ने एक दिन $19 बिलियन की डील में व्हाट्सएप फेसबुक को ही बेच दिया। ऐसे बंदों को कहते हैं रेबल्स, जो दुनिया से क्या खुद से भी लड़ने की ताकत और औकात दोनों रखते हैं, जिनकी जिद इतनी बुलंद होती है कि वो अपने मुकद्दर को ही बदल देते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी चीज नसीब पर मत छोड़ो, और भगवान के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं। किसी बंदे को अगर खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो उसकी कोई इंसान तो क्या भगवान भी मदद नहीं कर सकता। तो मेहनत करो, जी जान लगा दो, जो सपना देखा है उसे हकीकत में बदलने के लिए जो दम लगाना पड़े वो लगा दो। ये जिंदगी हसलर्स की है, ड्राइविंग सीट पे बैठ के कंट्रोल लेने वालों की है। बैक सीट पे बैठोगे तो पीछे ही रह जाओगे। किसी ने सच ही कहा है, अपने सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। अपने आप को तकलीफ की आग में झोंकना पड़ता है। दोस्त हर किसी को कामयाबी सोने के चम्मच में नहीं मिलती, तो क्या कामयाबी उसके बस की नहीं है? है, बस उसके लिए जिगरा चाहिए दुनिया से भिड़ने का और खुद से लड़ने का। याद रखना, रास्ता बहुत मुश्किल होगा, पैर बहुत बार डगमगाएंगे, उस वक्त गिव अप करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं दिखेगा। पर दोस्त अपनी जिद को उस वक्त बरकरार रखना, और ये कभी मत भूलना कि शेर जब घायल होता है तभी सबसे ज्यादा खूंखार होता है, और तुम किसी शेर से कम नहीं। तो फिर उतर जाओ जंग के इस मैदान में। कहते हैं ना, जब तक सीने में धड़कन है तब तक हौसलों में जान है। दोस्त तुम्हारे अंदर एक आग हमेशा जलनी चाहिए कि जब तक अपनी जीत तक पहुंच ना जाओ कोई मुश्किल, कोई माइकल हाल तुम्हें रोक ना पाए। उम्मीद पे अपनी दुनिया कायम मत रखो, अपनी दुनिया खुद बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। दोस्तों मैं जानता हूं कि तुम्हें वो लड़ने का जुनून है, पर बहुत बार हम बहाने मारते हैं, डर जाते हैं, या बहुत बार समझ नहीं पाते कि मुश्किलों से कैसे लड़े। तो ये बात गांठ बांध लो, हर मुश्किल का जवाब हमारे अंदर होता है। ऐसी कोई मुश्किल बनी ही नहीं है जिसका सामना ना किया जाए, जिससे लड़ा ना जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाओगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हार से बड़ा कोई टीचर नहीं है इस दुनिया में। बड़े से बड़ा आदमी तुम्हें कहेगा कि जितना एक हार ने उन्हें सिखाया उतना कोई कॉलेज की डिग्री नहीं सिखा पाई। हेनरी फोर्ड, द फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी, उन्होंने फेमसली कहा है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी अगर हार जाओ तो फिर से कोशिश करो, पर इस बार थोड़ा और दिमाग लगाकर। जैसे एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे, और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें 1000 बार फेल होकर कैसा लगा, तब उन्होंने कहा कि वो फेल नहीं हुए बल्कि पहला लाइट बल्ब बनाने के वो 1000 स्टेप्स थे। एडिसन ने यह भी कहा था कि कामयाबी हमेशा हार, निराशा और कभी कभी तबाही की बुनियाद पर बनती है। तो हार से मत डरो, अपनी किस्मत के सामने कभी घुटने मत टेको, झुको मत, झुकाओ। ऐसी हर चीज जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन के आए, ऐसी हर बात जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, फिर वो दुनिया की बनाई गई हो या तुम्हारे मन की, भरोसा खुद पर रखो। ऐसा कोई हालात नहीं जो बदलता नहीं, क्योंकि ऐसी कोई रात नहीं जो ढलती नहीं। यार मैंने आज तक 100 बार बताया है कि अब मैं खबरी ऐप पर भी ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो वहां जाके उससे भी देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप हसलिंग गाइस, दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।